दिल्ली से अगली खबर देखिए, जहां पर एनसीआर में अब देखिए सांस लेना एक बार फिर से मुश्किल हो चुका है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है दिल्ली का प्रदूषण। और दिल्ली के नरेला इलाके की अगर AQI की हम बात करें तो 800 के पार चला गया है AQI। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। दिल्ली में इस वक्त हेल्थ इमरजेंसी जो है वो लागू कर दिया गया है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 600 के पार चला गया है। लोधी गार्डन की बात करें तो लोधी गार्डन में PM2.5 जो है वो 500 दर्ज किया गया और PM10 जो है वो भी 500 दर्ज किया गया। इस वक्त हम दिल्ली की जनपद मार्केट में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी विजिबिलिटी जो है वो कम है और धुंध जो है वो छाई हुई है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी 500 से 600 मीटर के आसपास जो है वो है। दिल्ली की जनपद मार्केट में एक यहाँ पे हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि स्क्रीन लगी हुई है जिसके ऊपर प्रदूषण के जानकारी जो है वो बताई जा रही है। इसमें CO2 के बारे में जानकारी दी जा रही है, नाइट्रोजन के बारे में जानकारी दी जा रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जनपद मार्केट में हो रहा है उसके बारे में जानकारी जो है वो इस डिस्प्ले पे दिखाई जा रही है। इस वक्त PM2.5 जो है वो जनपद मार्केट में 708 है, जो बेहद ही गंभीर स्थिति में आता है। दिल्ली के सभी स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी जो है वो डिक्लेयर कर दी गई, चाहे वो सरकारी स्कूल हों या प्राइवेट स्कूल हों, सभी में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान दिल्ली सरकार की तरफ से किया गया है। इसके अलावा EPCA ने दिल्ली में और NCR में चलने वाली इंडस्ट्रीज़ पर भी रोक लगा दी है और कोयला और ईंधन से चलने वाली किसी भी तरह की इंडस्ट्रीज़ होंगी उनके ऊपर 15 नवंबर तक की पाबंदी होगी, वो किसी भी तरह का काम जो है नहीं कर सकते। अब देखना यही है कि दिल्ली वालों को प्रदूषण से कब निजात मिलती है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली। तो दिल्ली में बेहद हालात खराब है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली, बागपत, गुरुग्राम और मेरठ की। तो देखिए इन चारों ही जगह जो प्रदूषण है वो खतरनाक स्थिति में है, चाहे हम गुरुग्राम की बात करें, चाहे हम मेरठ की बात करें, चाहे हम बागपत की बात करें, चाहे हम दिल्ली की बात करें, हर तरफ धुंध की चादर देखी जा रही है। हालांकि कोशिशें तमाम की जा रही है, लेकिन प्रश्न ये कितनी कोशिशों के बावजूद आखिरकार अभी तक कोई नियंत्रण क्यों नहीं हुआ, जो AQI लगातार बढ़ता जा रहा है उसमें कमी क्यों नहीं आई है। और इसी को देखते हुए जो अब सरकारें हैं वो आगे आके रोज नई प्लानिंग बनाती हैं, स्ट्रेटजी बनाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो रही है। बड़े अधिकारी हैं जिनको हर चीज की मॉनिटरिंग करनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, वो शायद वो सही से नहीं कर पा रहे। सिर्फ किसानों को ही दंडित करने से, पराली जलाने से रोकने से प्रदूषण में गिरावट नहीं आएगी। अधिकारियों को, सरकारों को और कड़े सख्त कदम भी उठाने चाहिए, क्योंकि ये लोगों की जिंदगी का सवाल बनता जा रहा है। इतने खतरनाक प्रदूषण की वजह से लोगों की जिंदगी काफी पीछे जाती जा रही है, यानी कि लोगों की जिंदगी को नुकसान पहुंच रहा है। 10 साल की उम्र का नुकसान, 100 साल की उम्र का नुकसान, मतलब इस पूरी खबर से हम यह समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रदूषण का खतरा बढ़ता है। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अवैस हमारे साथ है, दानिश हमारे साथ है, और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले अवैस के पास चलेंगे दिल्ली में। अवैस, दिल्ली में हालत बेहद खराब है। देखिए अलग अलग तरीके से प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। आप वहां पर मौजूद है, अभी वहां पर मौजूदा स्थिति कैसी है, किस तरह से आप महसूस कर पा रहे वहां पर? तो दम घुट रहा है यार मास्क लगाने से। अवैस आपको आवाज मिल पा रही है? हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने, उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि शहर शहर सांसों में जहर किस तरह से घुल रहा है। एयर इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं, AQI लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि देखिए कृत्रिम बारिश भी करवाई जा रही है और जो कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं उन पर भी रोक लगाई गई है, लेकिन इसी के साथ ही देखिए जो हालात है वो बद से बदतर हो रहे हैं। अभी भी कोई सहूलियत नहीं मिली है लोगों को, लोगों को अभी भी वही दिक्कतें हैं जो पहले थी, यानी कि दिवाली से पहले जो हालात थे, जो स्थिति बनी हुई थी अलग अलग जगहों पर, वो स्थिति अभी भी वैसी ही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अवैध करू करेंगे सबसे पहले। अवैध, दिल्ली में हालात बेहद खराब है, आप वहां पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो से आप हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आप कैसी स्थिति वहां पर देख पा रहे, कैसा आपको महसूस हो रहा है, क्योंकि प्रदूषण काफी ज्यादा है, आपको भी खड़े होने में, बोलने में काफी दिक्कत हो रही होगी? जी बिल्कुल, प्रदूषण बहुत ज्यादा है दिल्ली में। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो कई इलाकों में 700 और 800 के आसपास जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। तो फिलहाल और नॉर्मल एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 500 से आसपास ही है, मगर इस वक्त हम जहां पे मौजूद है इंडिया गेट के आसपास, यहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स
733 है, जो बेहद ही गंभीर स्थिति में आता है। और यहाँ पे देश विदेश से पर्यटन भी आते हैं और लगातार पानी का छिड़काव जो है वो यहाँ पे किया जाता रहा है और पूरे दिल्ली में पानी का छिड़काव हो रहा है, मगर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है जस के तस बनी। आज ऑड इवन का आखिरी दिन भी है और कल दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई थी और कहा था कि आप लोगों को जिस तरह से प्रदूषण रोकने के लिए काम करना चाहिए था, आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, इनका कहना है कि इन्होंने एयर क्वालिटी पोल्यूशन को कम करने के लिए एक डिवाइस बनाई है जिसका प्रस्ताव दिल्ली सरकार के पास भेजा है। हम उनसे बात करते हैं, आपने किस तरह की डिवाइस बनाई है और वो किस तरह से काम करती है, थोड़ा सा बताएंगे। ये मेरे पास जो डिवाइस है वो एयर प्योरीफायर है जो कि 500 मीटर का एरिया पोल्यूशन खत्म कर देगा, कम से कम 80% पोल्यूशन उससे खत्म हो जाएगा और बहुत अच्छी डिवाइस है। अगर सरकार मेरी मदद करती है और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मेरी मदद करती है तो मैं इस प्रोजेक्ट को बहुत जल्दी उनके सामने पेश कर दूंगा और जो मशीन है बनाने का सिलसिला है वो कम से कम 5 मशीन 5 दिन में मैं तैयार कर सकता हूँ। तो आपने दिल्ली सरकार को अपना प्रोजेक्ट भेज दिया है, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आया है इस पर? मैंने दिल्ली सरकार को अपना प्रोजेक्ट भेज दिया है, मेरे पास मेल आया था कि हम आपके प्रोजेक्ट को देखेंगे, बट अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया है। कितना दिन हो गया उसको भेजे हुए? सर इसके लिए 5 डे हो गए हैं भेजे हुए। तो देखिए, इन्होंने एक डिवाइस बनाई है एयर पोल्यूशन कंट्रोल जो है उसको कम करने के लिए। उनका कहना है कि 500 मीटर की रेडियस जो है वो उसमें साफ हमारे साथ बने रही। हमारे साथ देवेंद्र चौहान बागपत से जुड़ चुके, उनका रुख करेंगे सीधे क्योंकि बागपत की भी हवा बेहद जहरीली हो चुकी है। देवेंद्र आप बताइए वहां पर कैसी स्थिति है, वहां पर जो प्रशासन है वो किस तरह से मुस्तैद है, क्या प्रदूषण को रोकने के लिए कोई सख्त कदम उठाया गया अभी तक वहां पर? जी शिवांगी, बताना चाहूंगा बागपत की जो हालत है, आबो हवा जो बिल्कुल खराब हो चुकी है, इसके साफ तौर पर शासन जो है वो कहीं ना कहीं इस मामले को बहुत ढील बरत रहा है। हालांकि निर्देश भी दिए गए हैं, जो स्कूलों की छुट्टी यहाँ की गई है, लेकिन हालांकि अभी कोई भी अपनी तरफ से जो एहतियात या सुरक्षा की बात करी जाए वो कहीं नहीं दी जा रही है। और साफ तौर पर सबसे ज्यादा अगर यहाँ पॉल्यूशन की बात करी जाए तो जो कि यहाँ 30 साल पुराने वाहन भी बागपत की सड़कों पर दौड़ रहे हैं और यहाँ के जो ईंट भट्टा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पॉल्यूशन को बड़े पैमाने पर बढ़ा रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत अगर देखी जाए तो सांस के मरीज, दम्मे के मरीज कहीं ना कहीं अस्पतालों में भीड़ लग चुकी है और जो यहाँ के जो डॉक्टर व्यवस्थाएं हैं या अस्पतालों की व्यवस्थाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। इस मामले को लेकर जो शकुंतला गौतम डीएम ने हालांकि निर्देश जारी किए गए हैं कि बागपत की जनता अपने आप को सुरक्षित रखे, जो पॉल्यूशन जी देवेंद्र देखिए बागपत की जनता को सुरक्षित रखना अब प्रशासन का काम है, अधिकारियों का काम है। हमारे साथ दानिश जुड़े हुए लगातार, दानिश का रुख करेंगे सीधे। दानिश वहां पर कैसी स्थिति देख पा रहे हैं आप? हालांकि देखिए ऑड इवेंट को तो लागू किया गया लेकिन अब उसके खिलाफ भी आज फैसला आना है क्योंकि लोगों का यह कहना है कि मनमानी की जा रही है ये ऑड इवेंट लागू करके, लोग इससे तो खुश नहीं है ये साफ जाहिर हो गया है, लेकिन अभी वहां पर कैसे हालात? देखिए ये एक आपातकालीन स्थिति है, जिस तरीके के हालात हुए हैं वो वाकई एक आपातकालीन स्थिति से कम नहीं है। आम लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, ऑड इवेंट लागू हुआ था उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, हालांकि अगर लगातार ये जारी रहे तो फर्क ज़रूर पड़ेगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी करी थी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा सरकार को, वो भी धरातल पर दिखाई नहीं दी। थोड़ा बहुत कृत्रिम बारिश जरूर कराई जा रही है, कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दिया गया है, स्कूल आज तक के लिए बंद है, तो कुछ ना कुछ किया जा रहा है लेकिन फिर भी प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो हरियाणा और पंजाब में जो पराली जलाई जा रही है वो आज भी एयर इंडेक्स जो क्वालिटी है वो 610 है नोएडा में, यानी एक शख्स जब एक बार सांस लेता है तो 20 बीवी का धुआं वो अपने शरीर के अंदर भरता है, तो खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आपातकालीन स्थिति नहीं है तो क्या है। इससे लड़ने के लिए अब सरकारों को ठोस कदम उठाने होंगे, ये जब एक्वाई बिगड़ जाता है उस वक्त नहीं, पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। 2016 से लगातार दिवाली के बाद यानी अक्टूबर नवंबर में इस तरीके के हालात बनते हैं लेकिन कोई ठोस इंतजाम। बिल्कुल दानिश, देखिए हमेशा की ही हालात ऐसे देखे जाते हैं हमेशा से ही, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में ऐसे हालात आमतौर पर हर जगह पर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, बड़ी खबर आया बरेली से है वो दर्शकों तक हम पहुंचा दे।